नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसपीएन 9 न्यूज। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर सियासी गलियारों में अलग अलग तरह की चर्चा हो रही है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व शिवराज सिंह से क्यों नाराज हैं, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। हाल ही में कई ऐसे अवसर आए जिनसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि शिवराज सिंह को लेकर क्या चर्चा हो रही है। हाल ही में पीएम मोदी ने राज्य का दौरा किया, लेकिन उन्होंने सीएम शिवराज को लेकर बहुत ज्यादा नहीं बात की। वहीं कमलनाथ के बयान पर कहा कि वो भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में हमें बहुत याद आएंगे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और यहां बात शिवराज सिंह चौहान की हम कर रहे हैं और लगातार ये चर्चा चल रही है कि उनको दरकिनार किया जा रहा है। सबसे पहले बीजेपी ने ऐलान किया कि वो कोई सीएम चेहरे के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी, उसमें आपको स्टार कैंपेनर के रूप में पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और बाकी अन्य शीर्ष नेतृत्व नजर आएगा। और एक वजह यह भी मानी जा रही है कि इसी वजह से यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को दरकिनार किया जा रहा है। और शिवराज सिंह चौहान भी लगातार कुछ ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे संकेत होता है कि शिवराज सिंह चौहान अब अपनी राजनीतिक पारी यही खत्म कर देंगे और उसके बाद अपना जीवन राजनीति से दूर कर लेंगे। क्योंकि उन्होंने कहा एक रैली में कि ऐसा भैया नहीं मिलेगा और मैं बहुत याद आऊंगा जब चला जाऊंगा, और वो काफी भावुक हो गए इसको इस बयान को देते हुए। और साथ ही साथ देखा जा रहा है कि सिंधिया खेमा भी कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व से नाराज है और इन दोनों के बीच की लड़ाई ही ये था कि बीजेपी को फैसला लेना पड़ा कि वो सीएम चेहरा नहीं उतारेंगे। और लगातार अटकलें चल रही हैं जिसके ऊपर कमलनाथ भी कहते हैं कि हाँ वो बहुत याद आएंगे, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले पर याद आएंगे, जनता का पैसा खाने के नाम पर याद आएंगे और कृषि की बेकार हालत के नाम पर हमें शिवराज जी याद आएंगे। तो लगातार शिवराज सिंह को निशाना साधा जा रहा है और एक तरफ कहा जा रहा है कि अब उनकी कुर्सी नहीं बचेगी और ना ही वो दूसरी बार के लिए सीएम पद के लिए उठेंगे। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज। धन्यवाद।